देखिए 13, 26, 39, 52, 65 का कह रहे हैं एवरेज निकालो, कितने नंबर हैं ये? पांच नंबर, तो क्या करेंगे? प्लस करके 5 से डिवाइड कर देंगे। ये तो हो गया ओरिजिनल तरीका। लेकिन बच्चों ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमारी मैजिकल ट्रिक चल जाती है। और से देखो, नंबर 13, 26, 39, 52, 65 हैं, यानी नंबर में एक मखसूस फ़र्द आ रहा है 13 का, तो अर्थमेटिक मीन हम कहेंगे कि भाई इनकी कितनी है? 13। ऐसे सवाल अर्थमेटिक मीन कहलाते हैं। कॉमर्स के बैकग्राउंड वाले बच्चों खासतौर पर समझो, 13-13 का फ़र्क। तो जब ये एक सेम टेबल का फ़र्क हो तो पता है इतना लंबा मेथड करने की ज़रूरत नहीं है। टोटल कितने नंबर है? 5 नंबर, दो इधर से, और आंसर क्या होगा? दरमियान वाला। जी हाँ, कुछ भी मत करें आप, वैसे खुद से करके देखिएगा, प्लस करके 5 से डिवाइड तो भी 39 आएगा, और हम ट्रिक से भी 39 लेंगे। जैसे कि 5, 10, 15, 20, 25, कितने नंबर हैं ये? 5, तो प्लस करके 5 से डिवाइड कर दें कि ये आप इनका बिल्कुल दरमियाना नंबर। ऐसा कब होगा? जब फ़र्क एक जैसा चल रहा हो। तो बच्चों हम फौरन इस तरह ट्रिक लगा लेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये अर्थमेटिक मीन निकालने का। देखो एवरेज निकालने का, अर्थमेटिक मीन में तो अभी भी लेकिन कोई दरमियाना नंबर नहीं है ना, ये फिर ये और दरमियान में दो दो नंबर है, तो कोई बात नहीं, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, 25 यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ तो हो ही नहीं सकता, पता ही लग रहा है कि हमारी ट्रिक फेल हो जाएगी, हमें पूरा मेथड करना ही पड़ेगा प्लस करके फिर 5 से डिवाइड। लेकिन अगर घूर के देखो 100, 80, 60, 20, 20 का फ़र्क, अगर यहाँ 40 होता और यहाँ 20 होता तो बात बन जाती, लेकिन ऐसा नहीं है, तो लगे बंदे थोड़ी अकल यूज़ करो। ये 40 से एक ज़्यादा है तो 20 से एक कम है, इसका मतलब है यार बिल्कुल मीन चल रही है, और आंसर ये हो जाएगा। जनाब यहीं तो दिमाग इस्तेमाल करना है आप लोगों ने। बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया, एवरेज में ऐसे सॉल्व किया था जैसे कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, कह रहे इनका एवरेज मालूम करो। तो देखो कोई इतना मसला नहीं है, हम इन सब का सम ले लेंगे। ये 9, 11, 13, 14, 14/6, 7/3, चलो भाई आ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि अरे ये 3-3 के बजाय से 4-4 चार बार होते, फिर 5-5 बार होते, अब ऐसे मुश्किल होता जाता। कहते हैं कि अब सम निकालो, अब बोलो यार अब तो बहुत मुश्किल है। और बच्चों हकीकतन ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये नंबर बढ़ते जाएंगे हमारे लिए प्रॉब्लम होती जाएगी। अब ये नंबर पहले तो गिनोगे कितने बन रहे हैं भाई, ये 15 बन रहे हैं, तो फिर हम इसको टोटल नंबर साउंड करेंगे ना कितने बन रहे हैं, सम को उससे डिवाइड करेंगे, तो ये प्रॉब्लम हमारी बढ़ती जाएगी और करना मुश्किल होता है। तो इसकी बड़ी अच्छी मैजिकल ट्रिक है, वो मैं बता रहा हूँ। पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लो है क्या, 1 एक बार, 2 2 बार, 3 3 बार, 4 4 बार, 5 5 बार। अब देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, जब यहाँ तक था यह सवाल, आपने ओरिजिनल मेथड से किया 7/3 आया, इसको करेंगे टोटल 55 नंबर है, 15 से डिवाइड करते 11/3। अब देखो मैजिकल फार्मूला, मैजिकल फार्मूला इस टाइप के सवालों के लिए 2n+1/3, और ये सब यहाँ तक होता सवाल, तो मैं इनकी जगह क्या पुट करता, 3, 2 3 6+1 7/3, देखो डायरेक्ट आ गया। इसी तरह जब n 5 होता, 5 2 10+1 11/3, ये आंसर आ गया। तो बड़ी ऑसम ट्रिक है बच्चों, जिससे हम ये बड़े ख़तरनाक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब अगर ये आगे चल रहा होता, यानी कि 6 6 बार होता, तो मैं इनकी 6 पुट करता, 7 7 बार होता, जो कि आए हैं बहुत सारे ऐसे सवाल, ठीक है जी, IB के टेस्ट में उन्होंने 7 7 बार दिया था, यानी 1 1 बार, 2 2 बार, तो ये ट्रिक मैजिकल ट्रिक हम यूज़ करेंगे बच्चों, जहन में रखना। कल स्टार्ट किया था एवरेज का टॉपिक, और n+1/2 किसकी खुफिया ट्रिक है? अगर नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना हो, नेचुरल नंबर देखो जैसे कि 1 से लेके 100 तक है, तो मैं इनकी जगह 100 पुट कर दूंगा। अगर यही ऐसा होता 1, 2, 3, 20 तक होता, तो मैं इनकी जगह 20 पुट कर देता, और ये मेरा आंसर बच्चों आ जाएगा बड़े आसानी से। तो बहुत अच्छी ट्रिक है ये, अगर हमें नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना हो, और अगर हमें एवरेज निकालना हो 1, 3, 5, 7, 9, 11, जैसे कि ये नंबर है 3 भी, यानी कि ऑड नंबर का, जब ऑड नंबर का एवरेज हमें निकालना हो, तो आंसर ये होता है
खाली एन होता है बजाय एन स्क्वायर के, ठीक है। तो जहन में रखें इस बात को, ठीक है जी। ये हमारा रिजल्ट आ जाता है। अब कितने नंबर हैं इस वक्त? ये 6 हैं, तो आंसर भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। इवन नंबर का निकालना हो तो बहुत आसान है। अब जैसे कि अगर नंबर ऑड की तादाद में, तो ये दरमियान वाला आंसर हो जाएगा। जैसे कि 5 नंबर हैं तो 2 इधर 2 इधर, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये नंबर 1, 2, 3, 4 हैं तो इन 2, 4, 6, 8 4 और 6 की माद है, तो मेरे भाई इसके दरमियान के दो नंबर ले लो। दरमियान में कौन है? 4 और 6। 4 और 6 का एवरेज क्या होता है? 5 होता है। तो ये निकालना तो बहुत आसान है। अब एक बार नंबर आया था सवाल कि 1 से लेके 100 तक उन नंबर का एवरेज निकालो जिनका यूनिट डिजिट 4 हो। यूनिट डिजिट 4 किन किन डिजिट का होगा? एक तो खुद 4 का होगा, 14 का, 24 का, टिल 94 तक का। अब कह रहे हैं इनका एवरेज निकालें। अब देखिए लोगों के दिमाग में क्या आता है, लोग सारे नंबर्स का सम करते हैं, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94, फिर प्लस करके डिवाइड करते हैं 2 से। ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधी साधी तरकीब ये करो, 4 और 94 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। 98 अपॉन 2 होता है 49, और ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा। एक आदमी की हाइट है 6 फुट 1 इंच, एक की है 6 फुट 2 इंच, एक की है 6 फुट 3 इंच, एक की है 5 फुट 11 इंच, और एक की है 6 फुट 5 इंच। कह रहे हैं इनका एवरेज निकालें। अब बच्चों इशू क्या आ रहा है कि फिट को इंच में कन्वर्ट करें या इंच को फिट में? एक तरीका ये होता है कि भाई सारे फिट को 12 से मल्टीप्लाई करें, इंच में प्लस करें। अब पता है प्रॉब्लम क्या आती? हम 5 से डिवाइड करते हैं, फिर दोबारा कन्वर्ट करना पड़ता, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक चलाकी करेंगे। देखो ये भी 6 फुट है, ये भी 6 फुट है, ये भी 6 फुट है, ये भी 6 फुट है। सिर्फ यहाँ देखो गड़बड़ है, ये 5 फुट 11 इंच। तो मैं इसको 6 फुट -1 इंच नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता। अब ये बहुत आसान है, बस समझो 5 फुट 11 इंच नहीं, 6 फुट -1 इंच है, क्योंकि 1 फिट में 12 इंच होते हैं। अब देखो कितना ईजी हो गया, सब 6 फिट है, फिट में तो 6 आ गया। इंच में देखो -1 + 1 कैंसिल, 2 + 3 = 5, 5 + 5 = 10, 10 को 5 से डिवाइड करें 2, 6 फिट 2 इंच इज योर आंसर। 4 kg 100 ग्राम, 3 kg 900 ग्राम, 4 kg 600 ग्राम, 4 kg 200 ग्राम। टीचर है, ये स्टूडेंट है। तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? वही बात, सब 4 में, तो इसको भी क्यों ना 4 kg में कन्वर्ट कर दें। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4 kg - 100 ग्राम। फिर देखें यहाँ से तो 4 kg आ गया, बाकी 100 - 100 ख़त्म, 800 को 400 से डिवाइड करो 200 ग्राम, 4 kg 200 ग्राम, ये आंसर हो।